बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए लखनऊ का 13A मॉल एवेन्यू बंगला खाली कर दिया है। ये वही बंगला है जिसके हिस्से को बीएसपी ने काशीराम का यादगार विश्राम स्थल घोषित किया है, यानी अब लखनऊ का ये बंगला काशीराम स्मारक होगा। खाली करने से पहले मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद मीडिया कर्मियों को इस बंगले को देखने की इजाजत दी। बताया जाता है कि इस बंगले को सजाने संवारने में 86 करोड़ खर्च हुए थे। इस सरकारी बंगले में मायावती 23 सालों से रह रही थी। इस घर में काशीराम की कई यादगार तस्वीरों के साथ मायावती की पर्स वाली मूर्ति भी लगी हुई है। इसके बाद मीडिया के कैमरों के बीच ही मायावती अपने नए घर में शिफ्ट हो गयी। प्रियंका की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।